नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश रोशन। कल मुंबई में जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया। इसको लेकर नीरज कुमार बबलू, जो कि बीजेपी से विधायक हैं और उनके भाई भी हैं, उन्होंने एक अहम बात कही है। सबसे पहले उसको सुनिए। देखिए, काफ़ी हम लोग मरमाहत हैं, कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का भी दिन देखना पड़ेगा। इतना हौसला वाला लड़का, सबको हौसला देने वाला, सबको उत्साहित करने वाला, अभी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुआ था, उसने ज़िंदगी खत्म कर लिया। हम लोग कभी सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा दिन, इतना बुरा दिन देखना पड़ेगा। अभी हम लोग चाह रहे थे कि उसको यहाँ लाए, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ नहीं आ पाएगा। तो हम लोग पूरे फैमिली चाचा को लेकर भी जा रहे हैं, वहीं पर दाह संस्कार होगा, बाकी हम लोग आते हैं। ऐसी खबरें आ रही थी कि नवंबर दिसंबर में शादी की भी बात। बिल्कुल, शादी का भी बात लगभग था कि एकदम हर हाल में शादी इसी साल नवंबर दिसंबर में करना है। अब क्या कहा जा सकता, सारा कुछ हरा रह गया। और ये कुछ गरीब बच्चों को मदद भी करना चाहिए। बिल्कुल, गरीब पिछले साल यहाँ आया था तो कई तरह का बात भी कर रहा था, बाकी फिल्म के अलावा भी समाज में भी कुछ करना चाहता था। हमसे 100 बच्चों को नासा भेजने का प्रोजेक्ट बता रहा था कि हम लोग 100 गरीब बच्चों को नासा भेजेंगे। बहुत उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। हम बोले, उसको बोले भी कि यार मेरे यहाँ से भी कुछ भेज देना। बोले भैया एकदम आप हमको नाम भेजना, हम भेजेंगे। उसके लिए प्रधानमंत्री जी से भी मिलना था। कई तरह का उसका अलग से भी फिल्म जगत के अलावा भी कई सामाजिक काम भी करना चाहता था अपने राज्य देश गाँव के लिए। बहुत बड़ा सोच था और ऐसा हो सकता है कि हम लोग कभी बिलीव नहीं कर सकते कि ऐसा भी दिन देखना पड़ा। इसकी जांच वाच भी होनी चाहिए आपको लगता है? देखिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग जा रहे हैं। अगर पता कुछ चलता है, थोड़ा सा भी शक होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे। ये एक उनके पोस्ट से अध्यात्म की तरफ भी उनकी रुचि बहुत दिख रही। अध्यात्म से भी लगाव था। अभी भी गाँव गया था तो थोड़ा सा पूजा पाठ मंदिर में जाना, जब से हमको लगता है कि केदारनाथ फिल्म जब से किया है तब से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ये था। केदारनाथ का चर्चा भी बार बार करता था कि केदारनाथ चलो, जब चलना हो गया तो बताना, हम लोग साथ चलेंगे केदारनाथ। तो लगाओ हम समझते हैं कि, मुझे तो लग रहा था कि बहुत पॉजिटिव है, अच्छी बात है कि धर्म से लगाओ, पूजा पाठ से लगाओ, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये कुछ ज़्यादा ही लगाओ तो ज़रूर बढ़ा हुआ था। तो आपने सुना कि नीरज कुमार बबलू ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात ये कि उन्होंने अपने वीडियो में या उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि हम लोग उसको लाना चाहते थे। इस लाइन का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी पता था कि उनकी तबीयत शायद खराब है या वो डिप्रेशन में है। हालांकि ये मानना है, जो प्रथम दृष्टया में जो आया है मामला और सुशांत सिंह राजपूत के घर से जो डिप्रेशन की दवा मिली है, तो उससे यह स्पष्ट है कि वो डिप्रेशन में तो थे और इस बात की जानकारी शायद परिवार के लोगों को भी थी। तभी तो नीरज कुमार बबलू, जो उनके भाई विधायक हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग उसको लाना चाहते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं ला पाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि केदारनाथ फिल्म करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो काफ़ी आध्यात्म की ओर बढ़ गए थे और वो आध्यात्मिक कामों में ज़्यादा रुचि ले रहे थे। तो परिवार वालों का कहना था कि ये अच्छी चीज़ है और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अध्यात्म की ओर जाने के बाद भी आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसी क्या परेशानी थी कि उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तमाम बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।